ऑल राइट एवरी वन इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं क्या इनका रोल होता है कैसे आप इनको क्रिएट कर सकते हो कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग जो है समझेंगे और क्लासेस और ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो आपको जो है वो हर बार आप जो है क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काम करते हो तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो आप इस बात को जो है वो और इस वीडियो को जो है वह अच्छे से देखो और इस बात को बहुत अच्छे से समझो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हर स्टेप पर आपको जो है वो क्लासेस से और ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा तो इनकी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको बहुत ज़रूरी है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम लोग समझते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बारे में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है क्लासेस और ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है उसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं तो रियल वर्ल्ड में जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है ऑब्जेक्ट के बारे में वो ये है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्ट इज़ समथिंग दैट वी कैन सी और टच तो समथिंग दैट वी कैन सी और टच जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया ठीक है कंप्यूटर को आप देख सकते हो टच कर सकते हो आपका मॉनिटर हो गया या फिर जैसे कि कोई ट्री हो गया कोई पेड़ हो गया ठीक है या फिर कोई टेबल हो गया तो ये सारी चीज़ें जो है वो रियल वर्ल्ड में क्या हैं ये ऑब्जेक्ट हैं इनको हम लोग जो है वो देख सकते हैं और टच कर सकते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक क्लास जो है उसमें उनको हम लोग ग्रुप कर सकते हैं तो जैसे अगर हम लोग डिफरेंट ट्री की बात करें ठीक है तो ट्री बहुत डिफरेंट डिफरेंट ट्री होते हैं तो कुछ जो है वो फूल वाले ट्री होते हैं कुछ विदाउट फूल वाले ट्री होते हैं और कुछ और डिफरेंट टाइप के ट्री होते हैं तो जो ट्री है वो आपकी एक क्लास हो जाएगी और इस क्लास में डिफरेंट प्रकार के जो ट्री होंगे वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हम लोग जो है वो एक ग्रुप एक क्लास में जो है ग्रुप कर सकते हैं तो उससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट आपके होते हैं वो ऐसे होता है कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहे हैं ठीक है जैसे हम लोग टेबल की बात करें ठीक है तो टेबल आपकी क्लास हो गई और फिर आपके पास डिफरेंट टेबल होती है जैसे कि आपके पास स्क्वायर टेबल टेबल हो गई फिर रैक्टेंगल टेबल हो गई राउंड टेबल हो गई उसके बाद में आप ये मान सकते हैं कि डाइनिंग टेबल हो गई और सेंटर टेबल हो गई बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट उनकी जो एक कॉमन क्लास है वो है टेबल क्लास और फिर इसके ऊपर अगर आप और चले जाओ तो ये आ जाएंगी आपकी फ़र्नीचर क्लास में ठीक है तो इस तरह से जो ऑब्जेक्ट बनते हैं आपके इनको हम लोग जो है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप में ग्रुप कर सकते हैं और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं क्लास तो जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके जो है वो क्लास को बिलोंग करते हैं क्लास से आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं या फिर ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है वो ग्रुप कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लास जो है वो इन ऑब्जेक्ट की क्लास है ठीक है तो जैसे हम लोग जो है वो लैपटॉप क्लास की बात करें तो लैपटॉप में आपके पास बहुत सारे जो है वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जैसे आपके पास यहाँ पे डेल का हो जाएगा यहाँ पर आपके पास एचपी का हो जाएगा यहाँ पे आपका लेनोवो का हो जाएगा यहाँ पर आपका जो है वो एसर का हो जाएगा तो ये जो है ये ऑब्जेक्ट हैं ठीक है और इनको हमने ग्रुप कर दिया है इनके फीचर के बेस पर इनमें सब में कॉमन फीचर हैं जिनमें की बोर्ड होता है प्रोसेसर होता है और उसमें जो है एल होती है और आप जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो तो ये सारे जो बिलोंग करते हैं वो बिलोंग करते हैं क्लास लैपटॉप को ठीक है तो इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम लो, हम लोगों ने ग्रुप कर दिया लैपटॉप ग्रुप में और जो लैपटॉप ग्रुप है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है वो एक क्लास है और इस क्लास के ये जो है वो ऑब्जेक्ट हैं तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट वी कैन सी और टच और जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम ग्रुप करते हैं और वो ग्रुप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास ठीक है अब क्लास आपकी जो है इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि जो क्लास है इसका कुछ क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का तो क्लास का मतलब क्लास कहाँ से आती है क्लास आती है क्लासिफिकेशन से यानी कि हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं कि जो हमारा लैपटॉप है यहाँ पर इसमें कौन कौन आ सकता है इसमें जो है आपका एच आ सकता है इसमें आपका जो है वो डेल आ सकता है इसमें आपका एसर आ सकता है इसमें आपका जो है वो एसूस आ सकता है ठीक है तो इनको हम लोगों ने जो है क्लासिफाई कर दिया कि ये सारे जो हैं वो लैपटॉप हैं तो ये बन गई है क्लास तो क्लास कहाँ से आई क्लास आई क्लासिफिकेशन से अब इसमें जो चीज़ें रहेंगी वो आपकी जो लैपटॉप से रिलेटेड रहेंगी अगर आप डेस्कटॉप टॉप यहाँ पर रखोगे ठीक है तो डेस्कटॉप एक अदर जो है क्लास है और इसमें यहाँ पे हम लोग जो है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर रख लेंगे सेम कंपनी डेस्कटॉप भी जो है बना सकती है तो यहाँ पर आपकी जो है वो डेस्क की क्लास हो जाएगी तो इस इस वाले पार्ट को हम लोगों ने लैपटॉप को क्लासीफाई कर दिया लैपटॉप क्लास में और डेस्क को क्लासीफाई कर दिया डेस्कटॉप क्लास में तो जो क्लासेस होती हैं वो क्लासिफिकेशन से बनती क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने जो है उनको सेपरेट कर दिया है यानी कि क्लासीफाई कर दिया या ऑर्गेनाइज कर, कर दिया है और जो क्लासीफिकेशन होता है वो किसी क्राइटेरिया के बेस पर किया जाता है जैसे यहाँ पर जो है वो लैपटॉप का सर्टन क्राइटेरिया है कि इसमें जो आपका जो स्क्रीन होती है वो इंटीग्रेटेड होती है और इसमें आपका जो कीबोर्ड है वो भी इंटीग्रेटेड होता है बट डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होता डेस्कटॉप में आपका जो है वो आपका मॉनिटर अलग होता है और आपका जो है वो कीबोर्ड अलग होता है और यहाँ पर लैपटॉप में आपके टच पैड होता है यहाँ पर आपका जो है वो माउस होता है जो कि आपको अलग से कनेक्ट करना पड़ता है तो इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि हम लोगों ने जो है इन सारी चीज़ों को लैपटॉप में क्यों रखा है और इनको डेस्कटॉप में क्यों रखा है क्योंकि लैपटॉप का जो क्राइटेरिया है वो अलग है और डेस्कटॉप का जो है वो क्राइटेरिया अलग है तो क्लासिफिकेशन हमेशा जो है वो एक क्राइटेरिया के बेस पे किया जाता है तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है क्लास की और ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है और क्लास जो होता है क्लास उसका एक ब्लू प्रिंट होता है जैसे यहां पे अगर हम लोग बात करें तो लैपटॉप जो है वो आपका वो एक ब्लू प्रिंट है कि आप लैपटॉप जब बोलते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे जो है वो इसी में एक जो है स्क्रीन लगी होगी यहीं पे हमारा कीबोर्ड होगा और यहीं पे हमारा टचपैड होगा और ये जो है हमारा एक लैपटॉप बनेगा बट एक्चुअली जब आप एक लैपटॉप बाई करते हो जैसे आपने एच का बाई किया या डेल का जब लैपटॉप बाई किया जब आप इस लैपटॉप को देखते हो तब इसमें जो है अलग अलग चीज़ें मिलती हैं जैसे कि इसका कुछ कलर जो है वो डिफरेंट होगा ठीक है और एच में भी जो अलग अलग लैपटॉप हैं उनके कलर डिफरेंट हो सकते हैं या फिर इसका साइज़ जो है वो अलग होगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं इसका जो प्रोसेसर होता है तो बहुत सारी चीज़ें जब एक्चुअल ऑब्जेक्ट जब आप उसको आप उससे जब इंटरेक्ट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि आपका जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ब्लू से एकदम अलग है और उसमें जो है वो वो सारी चीज़ें जो है एकदम स्पेसिफाई की गई हैं कि हाँ ओके okay, यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो कलर की बात करी थी तो कलर यहाँ पर जो है सिर्फ अभी जो है वो ये एबस्ट्रैक्ट है बट यहाँ पर हम लोगों ने बोल दिया कलर डॉट ब्लैक तो अब आपका जो कलर है वो फिक्स हो गया है ये प्रॉपर्टी जो है वो असाइन हो गई है तो क्लास जो होती है वो ब्लू प्रिंट होती है और ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्चुअल रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है उसमें वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी से असाइन रहती हैं तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसको हम लोग जो है वो टेक्निकल टर्म्स में समझते हैं कि क्या हमारा जो क्लास है वो होता है तो अब हम लोग बात कर लेते हैं तो डेटा टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इस सीरीज में आप जो है वो जाके वो वीडियो देख सकते हो डेटा टाइप वाला क्योंकि क्लास भी जो है वो आपका एक तरीके का डेटा टाइप है प्रोग्रामिंग में और ये जो है वो आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो क्लास जो क्या है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है इसमें कुछ स्टेट होती है और कुछ बिहेवियर होता है ठीक है तो जो स्टेट होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ और जो आपका बिहेवियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन तो जैसे अगर हम लोग एक क्लास की बात करें यहाँ पर तो जैसे हम लोग लैपटॉप वाली क्लास ही ले लेते हैं यहाँ पर ठीक है तो लैपटॉप वाली क्लास में यहाँ पे आपका जैसे कि कलर हो जाएगा ठीक है लेंथ हो जाएगा और उसके बाद में वेट हो जाएगा तो ये जो है वो प्रॉपर्टी है यानी कि ये स्टेट है कि कलर क्या होगा ब्लैक होगा ठीक है लेंथ कितनी होगी जितनी भी लेंथ इसकी यहाँ पे होगी बेट कितना होगा जितना भी बेट होगा तो ये स्टेट है कि कलर एक बार आपने दे दिया ब्लैक तो ब्लैक हो गया और उसके बाद में आपका यहाँ पर लेंथ हो गई और यहाँ पर आपकी जो है वो ये इसकी जो है वो बेट हो गया तो ये आपका जो है यहाँ पर स्टेट फिक्स हो गया अब लैपटॉप जो है यहाँ पर उसको आप जो है स्टार्ट कर सकते हो ठीक है उसके बाद में आप इसको जो है वो शट डाउन कर सकते हो ऐप जो है वो रन करवा सकते हो ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अनइंस्टॉल कर सकते हो ये सारे जो हैं वो एक्शन हो गए हैं यानी कि ये जो है इसके बिहेवियर हो गए हैं कि जो है लैपटॉप क्या क्या कर सकता है यानी कि स्टेट और बिहेवियर तो स्टेट का मतलब हो गया कि प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर का मतलब हो गया एक्शन तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो मेनली दो चीज़ें करता है एक तो उसमें जो है वो प्रॉपर्टीज़ होती है यानी कि स्टेट होती है और दूसरा उसका कुछ बिहेवियर होता है यानी कि वो कुछ जो है वो इंटरेक्शन करता है कुछ काम करता है तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ लेनी है कि जो आपका क्लास होता है उसमें स्टेट जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है प्रॉपर्टीज़ को और उसके बाद में जो बिहेवियर है वो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को और क्लास जो आपकी है वो ब्लू प्रिंट होती है ठीक है या फिर उसको प्लान बोल सकते हो टेम्पलेट भी बोल सकते हो तो ये ब्लू प्रिंट होती है या प्लान होता है या टेम्पलेट होता है जो डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट की डिटेल्स को ठीक है प्रोवाइड नहीं करता है डिस्क्राइब करता है जैसे कलर जो है यहाँ पे जैसे लिखा हम लोगों ने लैपटॉप क्लास बनाई हम लोगों ने और यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है यहाँ पे कलर और फिर आपका गेट सेट हो गया यहाँ पर ठीक है कलर और फिर गेट सेट हो गया तो यहाँ पे क्या कलर जो है अभी तक दिया नहीं गया है पर जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब यहाँ पर कलर को जो आप सेट करोगे और गेट करोगे तो क्या होगा यहाँ पर ये यह डिस्क्राइब करता है क्लास जो है वो डिस्क्राइब करता है कि क्या डिटेल्स होने वाली हैं आपके ऑब्जेक्ट की और क्लास जो है वो ब्लू प्रिंट है और इससे आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो और सेम क्लास के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को जैसे होल्ड कर सकते हैं तो देखो इस, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जैसे हमारा यहाँ पर जो है वो लैपटॉप क्लास है ठीक है और इससे हम लोगों ने जो है वो एल लैपटॉप वन बनाया ठीक है और उसके बाद में हमने इससे लैपटॉप टू बनाया तो जो लैपटॉप वन है ये हो सकता है कि इसका कलर जो है वो ब्लैक हो लैपटॉप टू का कलर जो है वो रेड होगा पर इन दोनों के लिए क्लास जो है वो सेम ही है लैपटॉप क्लास और यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी सेम है बट जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो लैपटॉप वन को हम लोगों ने ब्लैक कलर दिया और फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया लैपटॉप टू उसको हम लोगों ने जो है वो रेड कलर दिया तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं वो इसकी अपनी होंगी और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है अपनी इस ऑब्जेक्ट की होंगी चाहे ये दोनों एक ही क्लास से बने हैं लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज उनकी होती हैं उनको आप डिफरेंट वैल्यू जो है वो दे सकते हो तो ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं और आप उनको जो है वो सेम ब्लू से क्रिएट कर सकते हो और सेम ब्लू से क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि हर एक ऑब्जेक्ट सेम वैल्यू रखेगा ऐसा नहीं होता हर एक ऑब्जेक्ट को आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हो तो यहाँ पर हम लोग जो है एग्जाम्पल अपना ये वाला समझ लेते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पर हम लोगों ने एक पर्सन क्लास बनाई है ठीक है पर्सन क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक पर्सन को आई डी दी है मे बी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड कुछ भी हो सकता है उसके बाद में आपका यहाँ पे नेम है स्ट्रिंग उसके बाद में जेंडर है और एज है ठीक है तो ये जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हम लोग बोलते हैं स्टेट ठीक है कि आपका जो है वो आईडी क्या है आपका नाम क्या है जेंडर क्या है एज क्या है ये स्टेट है उसके बाद पर्सन का जो बिहेवियर है यानी कि उसके जो एक्शंस हैं उनको हम लोग जो है वो देख लेते हैं तो पर्सन जो है वो कॉमनली क्या कर सकता है बहुत सारी चीज़ें कर सकता है बट मैंने कुछ यहाँ पे जो है वो समझाने के लिए मैप आउट किया हुआ है तो ईट जो है वो खा सकता है ईटिंग कर सकता है काम कर सकता है ठीक है काम करता है तो वर्क हो गया उसके बाद में खेलना है तो प्ले हो गया और उसके बाद में सोना है तो स्लीप हो गया तो ये जो है वो एक्शन है यानी कि ये जो बिहेवियर है ये पर्सन क्लास के कॉमन बिहेवियर हैं और यहाँ पर जो है वो कुछ स्टेट दी गई हैं यानी कि प्रॉपर्टी दी गई है कि आई क्या है और जो नेम क्या है जेंडर क्या है तो ये जो है एक ब्लू है एक ऑब्जेक्ट का अब यहाँ पर से जो पर्सन बनेगा उस पर्सन का नाम हर बार सेम नहीं होने वाला उसकी आई हर बार सेम नहीं होने वाली है और ऐसा नहीं है कि ये ये पर्सन जो है वो जिस टाइम पर सोता है और जिस टाइम पर काम करता है जिस टाइम पे खेलता है हर पर्सन के लिए वो सेम होने वाला है नहीं हो सकता है इसका खाने का टाइम डिफरेंट हो इसका काम का टाइम डिफरेंट हो इसका खेलने का टाइम डिफरेंट हो सोने का टाइम डिफरेंट हो हर पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो बिहेवियर इनमें से ही होने वाला है लेकिन वो बिहेवियर जो है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होने वाला है उसकी टाइमिंग जो है वो डिफरेंट होने वाली है वो किसी अदर वे में डिफरेंट होने वाला है तो जो क्लास है उसके दो ऑब्जेक्ट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सेम क्लास से जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो हमेशा सेम ही होंगे ये बात जो है वो आपको समझ ले नहीं कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एक क्लास से बनने वाला हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो सकता है तो ऐसा नहीं है सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा तो जनरली ये माना जाता है कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम नहीं होंगे बट वो सेम हो भी सकते हैं इस लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सेम ही होंगे तो अब हम लोग जो है वो चलते हैं और आते हैं ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्ट जो होता है आपका वो क्लास का इंस्टेंस होता है ठीक है तो इंस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है वो एक ऑब्जेक्ट जनरेट कर लिया इस पर्टिकुलर क्लास से जो क्लास हमारी थी यहाँ पर हमारी जो पर्सन क्लास थी इस पर्सन क्लास को इंस्टेंस का मतलब हो गया कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जब हम ये स्टेटमेंट रन करवा रहे हैं तब हम इसका जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया है यहाँ से लेके कर यहाँ तक तो इसका स्कोप जो है वो यहाँ से यहां तक ही है तो इंस्टेंस का मतलब है एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास से बना लेना तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का इंस्टेंस होता है उसको इंस्टेंसिएट कर देते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम जो भी क्लास में है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर दिया है बाद में अपनी हम क्लास एक्सटेंड करेंगे तो उसके बाद में जो एक्सटेंड होगा उसको हम लोगों को यहाँ पे जो है वो अप्रोप्रिएट uh, तरीके से यहाँ पर जो है चेंजेज करने पड़ेंगे बट एट दिस पॉइंट इन टाइम जो इंस्टेंस हम लोगों ने बनाया है उसमें ये सारे फीचर्स हैं और ये सारे फीचर्स हमें क्लास से मिल रहे हैं और ये क्लास का एक जो है वो इंस्टेंस बन गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ठीक है तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है वो क्लास को जो है वो एक लाइव एंटिटी बना देता है क्लास कोई लाइव एंटिटी नहीं होती वो एक ब्लू प्रिंट होता है लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास जो है वो लाइव हो जाती है एक लाइव एंटिटी की तरह बिहेव करने लगती है तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास की जो चीज़ें हैं वो लाइफ में आ जाती हैं ठीक है अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक उसको आप कंसिडर कर सकते हो रियल वर्ल्ड एंटिटी कोई थिंग मान सकते हो जिसमें प्रॉपर्टीज होती हैं और जो एक्शन कर सकता है जैसा हम लोगों ने अभी पीछे स्लाइड पे समझा था इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने जो है बैलू दी हुई एक्जैक्टली पर्सन का नाम दिया हुआ है पर्सन की एज दी हुई है और उसका जेंडर दिया हुआ है और यहाँ पर वो पर्सन जो है वो कुछ काम कर रहा है तो ये पर्सन जो यहाँ पर कुछ काम कर रहा है अब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ही क्लास से बने हुए ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट जब आप बनाओगे तो मे भी आप सेम वैल्यू दे सकते हो मे भी आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हर बार जो ऑब्जेक्ट है वो सेम वैल्यू लेके आएगा वो वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है और मोस्ट प्रॉब्ली वो डिफरेंट ही होती है क्योंकि वही रिक्वायरमेंट होती है आप सेम ही जो है वो डेटा क्यों डालोगे बार बार एक ही ऑब्जेक्ट में हो सकता है ऐसी रिक्वायरमेंट रेयरली हो तो डाल भी सकते हो बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसके बाद में सेट ऑफ एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सकता है जो कि डिफ़ाइन की जाती हैं ऑब्जेक्ट के बिहेवियर में और बिहेवियर कहाँ डिफ़ाइन होता है हमारा क्लासेस में डिफ़ाइन होता है और वो बिहेवियर है जैसे कि ईट वर्क प्ले और स्लीप तो ये बिहेवियर हैं और ये जो है सेट ऑफ़ एक्टिविटीज़ को बोल सकते हैं एक्टिविटी कौन कौन सी एक्टिविटी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कर सकता है उसको हम लोग जो है वो बिहेवियर से रिप्रेजेंट करते हैं अब जो भी हमारे क्लास के मेंबर होते हैं ठीक है उनको हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया तो इसको क्लीन अप कर देते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया ये ऑब्जेक्ट है पर्सन जो लोअर केस पी के साथ पर्सन है ऑब्जेक्ट है और फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डॉट लगाया है और फिर प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है फिर से हम लोगों ने वही पैटर्न फॉलो किया है ऑब्जेक्ट डॉट एज फिर उसके बाद पर्सन डॉट जेंडर तो ये हमारा जो है वो पर्सन लोअर केस में ये हमारा ऑब्जेक्ट है फिर डॉट हमारा जो है वो एक ऑपरेटर है और उसके बाद में जो हमारा नेम है वो प्रॉपर्टी है तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डॉट ऑपरेटर के साथ में मेम्बर को एक्सेस किया हुआ है और मेम्बर तो में हमारा जो है वो प्रॉपर्टीज होती हैं और हमारे जो है वो फंक्शंस होते हैं या बिहेवियर होते हैं यहाँ पर भी हम लोगों ने पर्सन लिया हुआ है फिर डॉट लगाया हुआ है और मेथड को एक्सेस किया हुआ है और जो हमारा जो डॉट ऑपरेटर होता है ये हमारा जो है वो लिंक कर देता है ऑब्जेक्ट को हमारी क्लास के साथ में ठीक है तो जैसे हमारी ये जो पर्टिकुलर क्लास है यहाँ पर पर्सन नेम इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ऑब्जेक्ट पे जब हमने डॉट लगाया तो इस ऑब्जेक्ट में कहीं भी प्रॉपर्टी जो है वो डिफाइन नहीं है प्रॉपर्टी जो है वो क्लास में डिफाइन है और क्लास से ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं तो डॉट जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट को जो है लिंक कर देता है हमारे क्लास से तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी क्लास से लिंक है ये मेथड हम लोगों ने कहाँ बनाया है ईट ईट मेथड हम लोगों ने जो है वो क्लास में बनाया है अगर हम लोग वापस चल के देखें यहाँ पे तो ये जो ईट मेथड है ये क्लास में बना हुआ है लेकिन डॉट ऑपरेटर की हेल्प से हम लोग ईट मेथड को यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं तो डॉट ऑपरेटर क्या करता है लिंक कर देता है क्लास की प्रॉपर्टीज को क्लास के मेम्बर्स को हमारे ऑब्जेक्ट के साथ तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है तो ये हमारा जो है क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में हो गया हम लोगों ने जो है इसको समझ लिया अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें जो है वो क्लास में हो सकती हैं क्या ऑब्जेक्ट में हो सकती हैं और कैसे दोनों जो है एक दूसरे से लिंक रहते हैं अब हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि कैसे आप क्लास क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर और इसको हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो ये क्लास बनाई हुई है तो इसको जो है यहाँ पर आप देख लो कि किस तरह से बना है तो अगर आपको यहाँ पे नई प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे पी आर ओ पी कर सकते हो जो कि आपका जो है वो एक यहाँ पर प्रॉपर्टी के लिए कोड स्निप्ट है और उसको आप जब टैप करोगे तो यहाँ पे आपको जो है सिनिपिट मिल जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे जो है इंट करके आप यहाँ पे जो है वो आई डी दे सकते हो और स्ट्रिंग करके आपको स्ट्रिंग वैल्यू दे सकते हो तो यहाँ पर जैसे मैं देता हूँ पर्सन आई डी तो पर्सन आई डी हो जाएगी और उसके बाद में गेट सेट तो ये एक जो है वो प्रॉपर्टी हो गई पर्सन आई डी यहाँ पर ऐसे ही आप यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी जो है वो बना सकते हो जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है और उसके बाद में यहाँ पे जो है वो आप मेथड बना सकते हो और मेथड कैसे बनाते हैं मेथड बनाने के लिए आपको यहाँ पे जो है वो लिखना है पब्लिक और उसके बाद में वाइड और उसके बाद में जो है यहाँ पर हम लोग जो है ईट स्लीप और बहुत सारे मेथड लोगों ने बनाए हैं तो यहाँ पे हम लोग बना देते हैं टॉक ठीक है तो आप जो सोच लो कि पर्सन क्या क्या कर सकता है वो आप यहाँ पे जो है वो बना सकते हो और उसके बाद में आप यहाँ पे सिंपल सा कंसोल डॉट राइट लाइन रख दोगे रियल टाइम में आप यहाँ पे जो है अपना कोई भी कोड लिख सकते हो कोई भी लॉजिक लिख सकते हो तो पर्सन इज़ टॉकिंग ठीक है तो ये हो गया पर्सन इज़ टॉकिंग तो ये हम लोगों ने जो है यहाँ पर एक मेथड बना दिया और इसको भी हम लोग जो है वो बिहेवियर के सेक्शन में रख देते हैं सेक्शन कुछ नहीं हम लोगों ने बस कमेंट आउट किया है यहाँ पर तो उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पर जो है वो रख देते हैं और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे जो हमारी प्रोग्राम क्लास है इस प्रोग्राम क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया है तो ये जो लाइन है ये ऑब्जेक्ट बनाती है ये आपका जो पर्सन है ये वाला जो कैपिटल पी के साथ बना हुआ है ये हमारी क्लास है ठीक है यहाँ पर पर्सन क्लास है अगर आप एफ ट्वेल्व करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे पर्सन क्लास है और पर्सन क्लास जो है वो एक डेटा टाइप होती है जैसे हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट स्लाइड पे देखा था तो ये एक डेटा टाइप होती है इस टाइप का हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि लोअर केस पी के साथ पर्सन है ये जो है हमारा यहाँ पर एक वेरिएबल है ठीक है तो ये हमारा जो है वो डेटा टाइप है और उसके बाद में ये हमारा जो है वो वेरिएबल है और उसके बाद में जो न्यू ऑपरेटर है ये यूज होता है मेमोरी क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है यहाँ पर कि हमारा जो हीप होता है वहाँ पर न्यू ऑपरेटर जो है मेमोरी क्रिएट कर देता है और उस मेमोरी में इस पर्सन का जो डिफॉल्ट ये जो पर्सन का कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर जो मैंने हम लोगों ने कॉल किया है कंस्ट्रक्टर हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो जो भी यहाँ पर डिफॉल्ट चीज़ें रहती हैं आपकी इस पर्टिकुलर क्लास में वो आपकी जो है वहाँ पर इनिशलाइज हो जाती हैं इस मेमोरी में जो आपको न्यू की के साथ मिलती है तो यहाँ पे आपको जो समझ लेना है कि ये पर्सन जो है कैपिटल वाला ये आपका डेटा टाइप है ये आपका जो है लोअर लोअर केस वाला वेरिएबल है न्यू की यूज होता है आपका मेमोरी एलोकेट करने के लिए और कंस्ट्रक्टर यूज होता है आपका जो आपकी क्लास है उसको इंस्टेंशिएट करने के लिए एट दैट पॉइंट इन टाइम जो भी चीज़ें आपके क्लास में रहती हैं वो एज इट इज वहाँ पर इनिशलाइज हो जाती हैं और उसके बाद में फिर ये जो वेरिएबल है हमारा इसको हम लोग यहाँ पर लाते हैं और पर्सन डॉट नेम हम लोगों ने एक्सेस किया है अगर हम मैं इसको यहाँ से हटाऊँ और आपको यहाँ पे मैं डॉट लगा के ऐसे दिखाऊँ ठीक है तो यहाँ पर एज जेंडर और नेम जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे जो है वो एक्सेस कर पाओगे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगी और उसके बाद में आप इनको यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो और जिस टाइप की प्रॉपर्टी होगी उस टाइप की आपको वैल्यू देनी पड़ेगी अगर आप यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू दोगे तो आपको यहाँ पे जो है वो एरर आएगा क्यों क्योंकि एज हमारी जो है इंटीजर टाइप की है यहाँ पर आप जाके देख लो कि एज हमारी जो है वो इंटीजियर टाइप की है तो आपको वैसे ही वैल्यू यहाँ पे देनी पड़ेगी और डेटा टाइप हम लोग जो है डिटेल में पढ़ चुके हैं तो वो चीज़ आपको जो है वो पता होगी और उसके बाद में यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जो मेथड कॉल किए हैं जो हमारा ईट है अगर एफ ट्वेल्व करेंगे आप यहाँ पे तो आप सीधा यहाँ पे डेफिनेशन पे आ जाएंगे तो ईट वर्क और उसके बाद में आपका जो स्लीप है वो आपका यहाँ पे आ गया नया मेथड हम लोगों ने ऐड किया था टॉक वाला वो टॉक वाला मेथड यहाँ पे नहीं है तो कैसे आएगा आपको अगेन सेम चीज़ फॉलो करनी है आप यहाँ पे पर्सन डॉट और उसके बाद में टॉक लिखोगे तो आप यहाँ पे उसको कॉल कर पाओगे ठीक है और उसके बाद में इस तरह से जो है आप क्लास बना सकते हो और फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको यहाँ पर जो है आप प्रॉपर्टीज़ और मेथड को एक्सेस कर सकते हो तो जो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो एक्सेस कर लिया है अब अगर हम इसलो इसको रन करवाएं यहाँ पे ठीक है तो अभी देखो हम लोगों को क्या मिलेगा उसको हम लोग जो है वो रन करवा के एक बार देख लेते हैं और फिर इसमें अगर कुछ और चेंजेस हमको करने पड़ेंगे तो उसको भी हम लोग जो है समझेंगे और फिर करेंगे तो एक सेकेंड ये लेगा लोड होने में और लोड होने के बाद रन होने में तो यहाँ पर जो है ये रन हो गया है और इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसमें जो पर्सन इज टॉकिंग पर्सन इज ईटिंग पर्सन इज वर्किंग तो जो भी हमारा मेथड हम लोगों ने कॉल किया था जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने कॉल किया है यहाँ पर टॉक ईट वर्क प्ले स्लीप वो यहाँ पर जो है वो आ गया है और इसका कोड हम लोगों ने यहाँ कहीं नहीं लिखा इसका कोड हमारा पर्सन क्लास में है वहीं से ये जो है वो रन हो रहा है तो इस तरह से हम लोग जो है वो मेथड को कॉल करवा सकते हैं और अगर आपको इनमें से किसी प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो वो भी आप यहाँ पर जो है वो कर सकते हो सिंपल तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो सी डब्ल्यू और उसके बाद में लिख सकते हो आप पर्सन डॉट नेम तो पर्सन का नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद में इस लाइन को आप यहाँ पे जो है वो डुप्लीकेट कर दो और उसके बाद में आप पर्सन डॉट एज और पर्सन डॉट जेंडर जो है आप यहाँ पर कर सकते हो तो प्रॉपर्टीज को आप सेम तरीके से जो है सेट कर सकते हो और सेम तरीके से गेट कर सकते हो सेट करने के लिए आपको जो है इक्वल टू साइन लगाना पड़ता है और गेट करने के लिए आपको इक्वल टू साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पे हम लोग सेट किया है तो पर्सन डॉट नेम इक्वल टू और फिर आपका यहाँ पर जो ये हो गया है सेट uh, और यहां पर हम लोग जस्ट पर्सन डॉट नेम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं गेट तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेटिंग ऑब्जेक्ट वैल्यूज और यहां पर आपका गेटिंग ऑब्जेक्ट वैल्यूज और ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है इस इन दिस केस ऑब्जेक्ट हमारा क्या है पर्सन ऑब्जेक्ट है अब इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो रन करवा देते हैं और फिर इसको भी हम लोग जो है वो देख लेते हैं फिर चलेंगे हम लोग अगली साइड पे और समझेंगे आगे की चीजें तो यहाँ पर जो है आ गया है हमारा ब्लैक स्क्रीन और उसके बाद में हमारा आउटपुट आ गया है तो पर्सन वन ट्वेंटी फाइव फ़ीमेल और उसके बाद में जो मेथड थे हमारे वो यहाँ पर कॉल हो गए तो इस तरह से आप जो है वो क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो और उसको जो है बैलू दे सकते हो और उसकी बैलू जो है रीड कर सकते हो और इस तरह से आप जो यहाँ पर क्लास बना सकते हो तो हम लोग चलते हैं पीपीटी पे वापस और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या बचा हुआ है यहाँ पर तो हम लोग समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है क्लास और ऑब्जेक्ट में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ को लेके कि क्लास में और ऑब्जेक्ट में जो है वो डिफरेंस क्या होता है तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं तो क्लास जो है वो आपका होता है ब्लू और एक ही क्लास से आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो क्लास में आप जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो अपनी प्रॉपर्टीज़ को और उन वैल्यूज़ को आप ऑब्जेक्ट में ओवरराइड कर सकते हो अगर आप ओवरराइड नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी जो है वो क्लास में आ जाएंगी ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी क्लास से और अगर आप उनको ओवर कर दोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो ओवर हो जाएंगी तो कैसे होता है इसको हम लोग जो है समझेंगे अभी और यहाँ पर देखिए एक हमारी जो क्लास है इससे मल्टीपल हमारे जो है वो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और क्लास आपका जो है वो ब्लू होता है यहाँ पर और ये आपका जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है और ये आपकी जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज जो फील्ड्स जो मेथड होते हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज में जो वैल्यू होती है यहाँ पर उनको जो है वो चेंज किया जा सकता है अपडेट किया जा सकता है ओवर किया जा सकता है बट एक ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू होती हैं यहाँ पर जो वैल्यू हैं और जो दूसरे ऑब्जेक्ट में वैल्यू हैं इनका एक दूसरे से कोई जो है वो कनेक्शन नहीं होता है बस इतनी सी बात होती है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक क्लास से बने हैं बाकी इसकी अपनी जो है वैल्यू होती हैं और इसकी अपनी वैल्यू होती हैं इसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है इसकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है इसकी अपनी आईडी और मेमोरी होती है और इसकी अपनी आईडी और मेमोरी होती है ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जो क्लास होता है क्लास का जो है अपना खुद का आईडी और खुद की मेमोरी होती है और ऑब्जेक्ट की अपनी अलग होती है तो ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट एंटिटीज होते हैं क्लास से और क्लास जो है वो ब्लू है और ऑब्जेक्ट जो है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी है और एक ही क्लास से हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को रख सकते हैं ठीक है तो अब हम लोग समझ लेते हैं इस वैल्यू को ओवर करने की कहानी को तो यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो जैसे आपने यहाँ पे आईडी बनाया ठीक है तो आप इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो है इसको दे दिया टेन ठीक है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी मैंने और यहाँ पर हम लोग एक नाम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट जो कि होने वाला है डिफ़ॉल्ट पर्सन कर देते हैं समझने के लिए डिफॉल्ट पर्सन ठीक है और उसके बाद में यहाँ पर जेंडर दे, दे देते हैं ठीक है तो डिफॉल्ट जेंडर हम लोग यहाँ पर जो है वो मेल कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने फीमेल दिया हुआ है और डिफ़ॉल्ट एज को हम लोग यहाँ पर जो है वो ट्वेंटी सेवन कर देते हैं तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो दे दी है अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस इस इसको हम लोग यहाँ पे जो है कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है अब देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू कुछ भी सेट नहीं कर रहे हैं ठीक है सिर्फ क्या कर रहे हैं गेट कर रहे हैं ठीक है तो क्या गेट होगा हम लोगों को हम लोगों को गेट होगी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ठीक है तो हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे जो है वो गेट कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओवर कैसे हो जाती है या कैसे होती है उसको हम लोग जो है वो भी एक सेकेंड में समझेंगे तो यहाँ पर हमारी ब्लैक ब्लैक स्क्रीन जो है वो आ गई है और अब हम लोगों के यहाँ पर अपने आउटपुट का वेट है तो हमारा डिफ़ॉल्ट पर्सन आ गया डिफ़ॉल्ट एज आ गई और डिफ़ॉल्ट जेंडर जो था वो आ गया यहाँ पर जैसा हम लोगों ने जो है वो दिया था क्लास में बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर जो है वो प्रिंट हो गया है अब हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्लास में डिफॉल्ट वैल्यू थी जब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर रन करवाया ये वाला कंस्ट्रक्टर तो इसने क्लास में जो भी चीज़ें थी उनको इंस्टेंशिएट कर दिया उनको इनिशियलाइज कर दिया तो डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हो गई अब डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो गई इसका मतलब ये नहीं कि ये फिक्स हो गई ये चेंज नहीं हो सकती ठीक है यहाँ पर जब आप आओगे और फिर से इस कोड ब्लॉक को इनेबल कर दोगे ठीक है तो यहाँ तक क्या होगा जब आप ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तब डिफॉल्ट वैल्यू से आपका ऑब्जेक्ट यूनिशलाइज हो रहा है यानी कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसमें रहेंगी लेकिन जब आपका ये कोड ब्लॉक रन होगा तो डिफॉल्ट वैल्यू ओवर हो जाएंगी और ये वाली वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएंगी तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर चला देते हैं और अब देखेंगे अब हम लोगों को ये वाली वैल्यू जो है वो मिलनी चाहिए क्लास वाली वैल्यू ओवर हो जानी चाहिए तो यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको समझ लेते हैं तो हमारी क्लास वाली वैल्यू को जो है वो ऑब्जेक्ट वाली वैल्यू ने ओवर कर दिया है और यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है हमें एज इट इज मिल गया है तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि किस तरह से क्या डिफरेंस होता है क्लासेस में और ऑब्जेक्ट में और उसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो समझ भी लिया है अब हम लोग छत्ते चलते हैं फिर से पी पी पे और यहाँ पे देखते हैं और क्या बचा हमारे लिए यहाँ पे तो हमारे लिए यहाँ पे बचा है टाइप ऑफ क्लासेस तो क्लासेस के आपके जो टाइप हैं वो क्या होते हैं तो यहाँ पर आप मेन टाइप हमको समझ लीजिए जो क्लास आपकी है वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है पार्शियल हो सकती है सील्ड हो सकती है और स्टैटिक हो सकती है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है पार्शियल क्लास क्या होती है सील्ड क्लास क्या होती है और स्टैटिक क्लास क्या होती है हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करेंगे इसी सीरीज़ में और इसमें बस आप ये जान लो कि क्लासेस जो है उनका क्लासिफिकेशन ये होता है कि इतने टाइप की क्लासेस आपकी जो है वो होती हैं सी शार्प में और एक एक करके डेडिकेटेड वीडियो में इन लोगों के हम लोग सब कुछ इनका बिहेवियर क्या होता है कब कैसे यूज़ करते हैं क्या रूल्स होते हैं सब कुछ हम लोग जो है वो समझेंगे तो जब आप एक क्लास बनाने जाते हो यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हो क्लास का जो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि क्लास आपकी जो है वो एबस्ट्रैक्ट uh, क्लास है ठीक है या फिर आपकी जो है वो यहाँ पर पार्शियल क्लास है या फिर आपकी यहाँ पर जो है वो सील्ड uh, क्लास है या फिर आपकी यहाँ पर जो है वो स्टैटिक uh, क्लास है तो किस तरह की क्लास आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो और हर एक जो क्लास होती है चाहे एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे पार्सल हो चाहे सील्ड हो और चाहे स्टेटिक हो सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं सबके अपने यूज केस होते हैं और वो अपने आप में एक डेडिकेटेड वीडियोज में जो है वो समझे जा सकते हैं तो उसको हम लोग जो है वो समझेंगे एक एक करके क्योंकि इस वीडियो में करेंगे तो हम लोग वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा बट आप ये जान लो कि क्लासिफिकेशन जो है क्लासेस का क्या होता है तो ये होता है क्लासिफिकेशन और इनको हम लोग जो है वो आने वाले वीडियोज़ में समझेंगे तो ये वीडियो हमारा सक्सेसफुल यहीं पर कंप्लीट हो जाता है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू बाय बाय